हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल विज्ञान फोरियो में। आज हम जिस टॉपिक पे विचार करेंगे उसका नाम है हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो इसका जो डायग्राम बनाना था या बनाना सिखा दिया मैंने आपको पहले, उसका उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इंटरेस्टिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जिसको पढ़ना भी इंटरेस्टिंग है, वो है हार्ट। अब जब हम 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि जो हार्ट होता है वो बाईं ओर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो हार्ट होता है वो हमारी थोरेक्स में होता है, वक्स, इस जगह पे होता है हमारा हार्ट। लेकिन उसका जो बड़ा हिस्सा है वो बाईं ओर होता है, इसीलिए हमको 6th, 7th क्लास में ये बताया जाता है कि हार्ट जो होता है वो बाईं ओर होता है। चलिए, ये तो उसकी स्थितियाँ हमने बता दी। नेक्स्ट है उसका जो वजन, कि हार्ट का वजन कितना होता है, तो ये होता है 300 से लेकर 400 ग्राम तक। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हृदय जो होता है वो मुट्ठी के समान एक स्ट्रक्चर है और मस्क्यूलर होता है, अर्थात कार्डियक मसल से बना होता है और रेड कलर का होता है, और साथ ही जीवन भर पंप की तरह कार्य करता है। आप खुद देखते हो कि हार्ट एक पंप की तरह निरंतर कार्य करता रहता है जीवन भर, और जिस दिन ये बंद होता है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आई थिंक जीवन भर ये पंप की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट देखें, हृदय के ऊपर दोहरी झिल्ली का बना एक आवरण पाया जाता है, दोहरी झिल्ली का एक आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है हृदयावरण, या इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, और इन दो परतों के मध्य एक द्रव भरा रहता है जिसे कहा जाता है हृदयावरणीय द्रव, या हम इसे कह सकते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो इसकी बाह्य आघातों से रक्षा करता है। नेक्स्ट देखिए, हृदय में कुल चार कक्ष होते हैं, चार कक्ष या चार चैम्बर होते हैं, जो तो आप देख रहे हो कि बायां आलिंद लेफ्ट एट्रियम, बायां नीले लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां आलिंद राइट एट्रियम और दायां नीले राइट वेंट्रिकल, कुल चार चैम्बर होते हैं। अब देखते हैं एक-एक के फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुल चार चैम्बर में से हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे बायां आलिंद। देखिए, ये बायां आलिंद लेफ्ट एट्रियम, ये क्या करता है, पल्मोनरी वेंस के द्वारा, फुफ्फुस सिराओं के द्वारा लंग्स से शुद्ध रुधिर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्राप्त करता है, और यहाँ से ये माइट्रल या बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा इसको बाएं नीले में भेजता है, ये इसका कार्य है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, सेकंड चैम्बर बायां नीले या लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसका कार्य ये है कि जो ब्लड बाएं आलिंद से या लेफ्ट एट्रियम से इसके अंदर माइट्रल वाल के द्वारा आता है, उसे ये महाधमनी या डोर्सल एरोटा के द्वारा ये शरीर के अंगों में भेजता है, शरीर के अंगों में वही शुद्ध रुधिर अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये शरीर के अंगों में भेजने का कार्य करता है। यहाँ से जब ये इसमें संकुचन होगा तो ये ब्लड इसके अंदर महाधमनी से होकर हमारे शरीर के अंगों के अंदर जाएगा। नेक्स्ट है दायां आलिंद या राइट एट्रियम, ये देखिए दायां आलिंद, ये क्या करता है कि जब शरीर के अंगों से निकला हुआ अशुद्ध रुधिर जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, उस रुधिर को ये इसमें रुधिर दायां आलिंद के अंदर आता है, और यहाँ से ट्राइकस्पिड, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा या त्रिवलन कपाट के द्वारा ये दाएं नीले के अंदर जाता है। चलते हैं, फोर्थ चैम्बर जो है वो है दायां नीले, या इसे हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल। इसका क्या कार्य है, राइट वेंट्रिकल जो ट्राइकस्पिड वाल से जो ब्लड आता है उसको
जब ये संकुचित होता है या उसके बाद ये जो ब्लड है ये फेफड़ों में या लंग्स के अंदर जाता है शुद्ध होने के लिए। मतलब कहने का अर्थ है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन नहीं है, अशुद्ध रुधिर है, और ये शुद्ध होने के लिए लंग्स के अंदर जाता है। चलिए अब देखते हैं रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियाँ एक तो महाशिराए वीना केव, महाधमनी ओर्टा, फुफ्फुस सिराए पल्मोनरी वेंस और फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी। अब देखते हैं केक को। तो महाशिराएं क्या करती है, कार्य है कि शरीर से जो ऑक्सीजन रहित रुधिर है, मतलब कहने का अर्थ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, ये यहाँ देखिए डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर महाशिराएं किसमें भेजती है, दाएं आलिंद या राइट वेंट्रिकल के अंदर भेजती है, राइट वेंट्रिकल के अंदर अशुद्ध रुधिर को लेकर भेजा जाता है। अब देखिए महाधमनी, इसका कार्य है कि बाएं नीले से या लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन युक्त, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ये हमारे शरीर के ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी ऑर्गन्स मतलब शरीर के अंगों में भेजने का, शुद्ध रुधिर भेजने का कार्य महाधमनी का होता है। कि ये फुफ्फुस सिराए पल्मोनरी वेंस, तो इनका क्या कार्य देखिए जरा, इनको एक बात ध्यान रखना कि ये संख्या में कुल चार होती है, 1, 2, 3, 4। मैंने इसका डायग्राम इसीलिए बनाया ताकि आपको यहाँ से मैं समझाऊँ, ये चीज़ समझ में तुरंत आ जाए। तो इनका ये कार्य है कि ये लंग से जो शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ये बाएं आलिंद में भेजती है, ये देखिए बाएं आलिंद या लेफ्ट एट्रियम के अंदर भेजती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर बाएं आलिंद के अंदर भेजती है। चलिए अब देखते हैं फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरीज, तो इनका कार्य देखो, ये पल्मोनरी आर्टरीज देखिए जरा, आपको ये दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो दाएं नीले या राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेती है, ठीक है, और यहाँ से ब्लड को लेकर ये दोनों लंग्स के अंदर, ये इधर देखिए सॉरी ये लेफ्ट लंग्स और ये, क्योंकि ये मैंने वहाँ भी बताया था स्ट्रक्चर ऑफ जब हार्ट का मैंने चित्र बनाना सिखाया तब भी बताया था मैंने कि ये दो भागों में डिवाइडेड है, यहाँ से देखिए ये डिवाइडेड हो रही है, तो ये ब्लड को लेकर, ये जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अशुद्ध रुधिर, इसको लेकर ये एक तो लेफ्ट लंग की ओर, सॉरी राइट लंग्स की ओर जाती है, और ये दूसरा जो भाग है इसका, ये इस ब्लड को लेफ्ट लंग्स की ओर लेकर जाता है। मतलब कहने का अर्थ डीऑक्सीजन ब्लड को शुद्ध करने के लिए या ऑक्सीजनेटेड करने के लिए ये लंग्स के पास लेकर जाती है, बिकॉज श्वसन का कार्य हमारे लंग्स का ही होता है, वहीं ऑक्सीजन लंग्स प्राप्त करते हैं और शुद्ध रुधिर को वापस फुफ्फुस सिराओं द्वारा बाएं आलिंद के अंदर भेजते हैं। अब देखते हैं कपाट या बाल्ब जो हृदय में पाए जाते हैं। तो पहला है दी वलन कपाट या बाइकस्पिड वाल्व, या इसे कहते हैं माइट्रल वाल्व या लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये देखिए ये पाया जाता है बाएं आलिंद, लेफ्ट एट्रियम व बाएं नीले अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य। ये देखिए ये रहा बाइकस्पिड वाल्व। अब ये जो वाल्व होता है ये मोनोडायरेक्शनल होता है, अर्थात केवल ब्लड एक ही दिशा में जा सकता है। कहने का अर्थ जो रक्त होता है वो आलिंद से नीले की ओर आता है, मतलब एट्रियम टू वेंट्रिकल, लेकिन वापस नहीं जाता क्योंकि ये वाल्व बंद हो जाता है, इसलिए वापस नहीं जा पाता। तो ये हुआ माइट्रल वाल्व। चलिए अब दूसरा देखते हैं, ये है त्रिवलन कपाट या इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, या इसे कहते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और ये पाया जाता है दाएं आलिंद और दाएं नीले, अर्थात कहने का राइट एट्रियम व राइट वेंट्रिकल के मध्य। यहाँ ये भी मोनोडायरेक्शनल होता है, अर्थात एक दिशीय होता है, इसी दिशा में आलिंद से जो ब्लड आता है वो नीले की ओर ही आ सकता है। अगला पॉइंट है बायां आलिंद और बायां नीले, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, और दायां आलिंद और दायां नीले, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक झिल्ली के द्वारा, पेशीय झिल्ली के द्वारा अलग रहते हैं। पेशीय झिल्ली मतलब मस्क्यूलर मेम्ब्रेन के द्वारा पृथक रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये, तो
उसे कहा जाता है सेप्टम। हृदय में दाएं आलिंदिया राइट एट्रियम के अंदर एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे एस ए नोड या पेसमेकर कहा जाता है, और कहने को तो इसको हार्ट ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि हृदय के अंदर जो हार्ट बीट का ओरिजिन होता है वो इसी के द्वारा ही होता है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ द हार्ट कहते हैं। ये हृदय की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मैंने आपको टू द पॉइंट सब कुछ समझा दिया। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो या कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।